हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपसे ट्रैवलिंग की एक मिनी ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने फैमिली और टूटू के साथ कंप्लीट की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं गई थी दीघा, जो कि पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ट्रेन में अब बैठ भी गई हूँ, बैग वगैरह भी मैंने रख दिया है। बैग के ऊपर टूटू को रखा है। टूटू अभी बाहर के व्यू को देखकर एकदम न्यू है उसके लिए, तो एंजॉय कर रही है काफ़ी। और ये मेरी फैमिली है, और देख सकते बाहर कितना प्यारा सा नज़ारा है। थोड़ी दूर जाते ही टूटू को भूख लग गई, तो मैंने उसको सीड्स दिया है। वो भी सीड्स खा रही है, काफ़ी बिजी है खाने में। मुझे एक ब्रिज भी दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए ये रहा ब्रिज, और ये रही उसके नीचे बहती हुई खूबसूरत सी रूपनारायण रिवर। और बस ऐसे ही इन व्यूज़ को इंजॉय करते हुए फाइनली पहुँच गई हूँ दीघा। निकले हम लोग ढेरसागर, जो कि न्यू दीघा में ही पड़ता है, और ये प्लेस काफी ज्यादा खूबसूरत था। एंड फाइनली इतने सारे सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे सी दिख रहा है, काफी खुशी हो रही है। बहुत खूबसूरत सा एक नजारा है, सी है, साथ में एक लहरें भी आ रही हैं, हवा भी चल रहा है, और मेरे दोनों साइड में ये पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। इतना खूबसूरत सा नेचर का व्यू है, अंदर से बहुत अच्छी वाली एक फीलिंग आ रही है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और फर्स्ट भी। मैं टूटू को फर्स्ट टाइम बाहर इतने दूर लेके ट्रैवल की हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मैं काफ़ी खुश थी, मेरी जो पेट बर्ड है वो भी काफ़ी खुश थी। फैमिली के साथ और मेरे बर्ड के साथ मैंने बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत सा टाइम स्पेंड किया है। तो आप भी जब अपने बर्ड को लेके जाते हैं या अपने पेट को लेके जाते हैं, तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब आप अपने पेट बर्ड को बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि बर्ड को बाहर लेके जाना काफ़ी रिस्की होता है। सी बीच में क्रोज होते हैं, कभी कभी ईगल्स भी दिख जाते हैं, तो हो सकता है वो बर्ड को देख के अटैक करने की कोशिश करें। तो आप जब भी सी बीच में जाएं उनको लेकर, तो एक आप बास्केट कैरी कीजिए जिसमें आप अपने बर्ड को रख के लेके जाएं, जैसा मैंने भी किया था। जब क्रो नहीं थे तो उनको अपने बर्ड को निकाला था, देन जैसे क्रो को मैंने देखा अपने बर्ड को बास्केट में डाल दिया। वो वहाँ पे सेफ रहेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा बास्केट लीजिए जिससे वो बाहर का नज़ारा भी इंजॉय कर सके और उसमें हवा भी जा सके। एंड आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।